इंडियन एकेडमी एक बहुत वेल नोन और वेल क्लियर के स्पीड में बहुत बड़ी संस्था है, जो संस्था आप जैसे विद्यार्थियों को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और सर जी ने बीटेक किया हुआ है वहाँ से, इतना से उन्होंने मैनेजमेंट का डिग्री भी लिया है और करीबन 12 साल से सर इस क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों की लाइफ पे बदलाव लाने के लिए, फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उनको हमने शॉर्ट नोटिस में रिक्वेस्ट दी थी और सर को, सर रहते थाना में, थाना पे आगे रहते, वहाँ से यहाँ पर आने के लिए सर को बहुत डिफिकल्टी मिली, लेकिन सर ने बहुत ही कॉपरेशन किया है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर का भी वेलकम बहुत। तो आज सर आपके साथ में डायलॉग करने लगे, वो आपके लिए नहीं बोले थे, आप भी पूछा के सुनने लीजिएगा, सर ने किस तरह से आगे बढ़ गए, सर क्या क्या कर रहे हैं, और हम चाहते थे ये डायलॉग आज ही के दिन नहीं होगा, क्योंकि निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए, कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। तो हम आप जैसे साइड पे भी कर रहे हैं, तो हर हमारी साइड पे भी मीटिंग होती है, आप उनके साथ में जुड़े रहिए, वीडियो बनाए उनसे, और ज़्यादा नॉलेज किस तरह से तुम्हें मिल सकता है वो लीजिए, और उसके रिपेयर के बाद में हम ये माहौल में है सुमेरल सेंटर में, केरल सेंटर की जो संस्था है, जो फ्रीडम फाइटर जो कि हमारा देश आजाद हुआ था उसमें यीशु केरल जी ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, उनके नाम से संस्था बनी हुई है। और जब मैं भारत एमआईसी की जो प्रोडक्ट से एक्टिविटी चलती है उसके बारे में हमें देखा, उसके बाद में हम लोग देखेंगे, और फिर शाम को 4:30 बजे हम यहाँ से निकल जाए। तो ये ऐसा माहौल है, और इसके बाद में आगे क्या करना है जो कि हमें थोड़ा शॉर्ट में उसको डिसाइड करते हैं, उसको आगे हमें करना है। तो मैं सैयद सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर अभी आप माइक चार्ज कीजिए और हमें आप लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वार्म वेलकम, एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड था यहाँ पर आने के लिए, बिकॉज फिर से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला कि स्टोन के साथ मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिले। सो मुझे थ्रू पता चला तो काफ़ी डिफिकल्ट था संडे को मैनेज करना, बिकॉज संडे सभी होता था, उसको परफेक्ट बहुत सारे वर्क होते जो करने होते हैं। कंसिडरिंग दिस इशू आई रियली लाइक कि आपके साथ में मिलूँ और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, और हो सकता है कि मेरा शेयर किया हुआ एक्सपीरियंस 100% कुछ परसेंट स्टूडेंट के अगर फॉर्मेट पर आ जाएगा तो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट हो, दैट्स ओनली वन पर्पज। सो नमस्कार ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून सर। मैं अगर आसपास अगर देखता हूँ तो ये डेज काफ़ी जोर शोरों से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एक मौका हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो जिससे उसको किसी और को कुछ करने का मौका मिलता है, मे बी वो हमारा दोस्त हो, मे बी वो हमारे फैमिली मेम्बर हो, मे बी वो हमारे फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड, ठीक है ना, एक दूसरे को हम लोग खुश करते हैं डेली लाइफ से, जो हम लोग डेली एग्जॉस्ट हो जाते हैं और स्मोक से खुश करते हैं, दैट्स अ वंडरफुल जॉब। और जब हम लोग करते हैं ना तो किसी के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर हम लोग देखते हैं, लाइक यू गिव द एग्जांपल ऑफ फ्लावर, रोज जो होता है ना, तो रोज हम लोग इसको जब देते हैं तो उसके अंदर एक क्वालिटी, एक स्पेशलाइज उसके अंदर क्वालिटी कैरेक्टर रोज के अगर बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम रोज को अगर देखूँ जो उसके अंदर जो खुशबू है, दैट इज समथिंग यूनिक, उसके अंदर का जो पेटल्स बना रहे हैं ना उसके, दैट इज समथिंग यूनिक, इसलिए उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, उसके अंदर यूनिक कैरेक्टर, जैसा कैरेक्टर जैसे उसके पेटल्स है, उसके अंदर खुशबू है, सिमिलरली हमारे अंदर भी हमारा खुद का एक कैरेक्टर, हमारे अंदर खुद एक स्पेशलिस्ट चीज़ है जो हमने सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस दिया, दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हमारी लाइफ पता शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप पूरा जर्नी अगर देखो ना, तो पूरी जिंदगी के अंदर हम किसी और को इम्पोर्टेंस देते हैं, किसी के और के कमेंट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, किसके बड़े होने से हमको दर्द होता है, किसके कम होने से हमको तकलीफ होती है, लेकिन खुद क्या करें ना उसके ऊपर हम लोग ध्यान ही देते हैं,
आपने से मुझे बताओ कितने लोग ऐसे जिस वो खुद देख के तुम सोचते यार मैं अच्छा आई एम वन ऑफ द गुड पर्सन आई एम काइंड पर्सन कितने लोग हैं उनको खुद के लिए वक्त नहीं दे पाते सबके लिए हमारे पास में वक्त है वक्त निकालते हैं मेरे दोस्त को मिलना है उसको मिलना है उसको मिलना सुबह से शाम खत्म हो और खुद को मिलने के लिए हमारे पास में वक्त नहीं है दैट्स वन थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो है ना आपके लाइफ के अंदर वो आपको जिस दिन अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीख देना दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं खींच सकती कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं सकती इज व्हाट पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस नाउ कम टू द पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ माय नेम इज सैयद अकबरी एंड मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो मेरा बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है 2010 उसके बाद मैंने फर्दर मेरा एजुकेशन किया था पोस्ट ग्रेजुएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट निकमार पुणे यहाँ से कंप्लीट किया था सो एक्चुअली मेरा करियर स्टार्ट हुआ था 2008 से मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ 10 से बट मैंने करियर मेरा स्टार्ट किया था 2008 से देन आई वाज स्टडिंग मेजर इंजीनियरिंग मेरा कंप्लीट कर रहा था सी क्या होना कि अभी तक अगर आप देखोगे तो मोबाइल एक सोर्स है कॉलेज है स्कूल है हर जगह पर आपको बहुत सारे सेशन मिलेंगे मोटिवेशन आप यूट्यूब देखोगे तो यूट्यूब पर बहुत सारे फिर डालोगे तो आपको दिन लड़ो वीडियोज आपको देखने को मिलेगी उसकी कोई कमी नहीं है तादाद में वीडियोज अवेलेबल है तादाद में हर एक की लाइफ आप देख सकते हो बट इम्पोर्टेंट इज किसी की लाइफ जर्नी आप अगर अपने आपको से देखो सुनो ना सो दैट इज द बेस्ट लर्निंग मिल सकती है लेट्स से मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल गुजारे हैं 10 साल के अंदर मैंने मतलब एजुकेशन करने के बाद जो अप एंड डाउन मैंने देखे हैं 10 मिनट के अंदर आपके साथ शेयर कर सकते हैं एंड आई एम प्रीटी मच श्योर मेरे एक्सपीरियंस हो सकता है बैठे हुए 40 बच्चों के लिए हो सकता है 5 बच्चों के काम में व्यक्ति होना जो मैंने किया सो सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है वो लगती है कि मैं सीनियर के साथ में इंटरेक्ट इस तरह से होता हूँ कि उनकी गलती से मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ उनसे इंटरेक्शन करने का मेरा ये पर्पज़ होता है कि उन्होंने जो अच्छी चीज़ की है ना मैं भी वो करने की कोशिश करता हूँ टू थिंग्स जो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करता हूँ और मैं हाईली आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर फ्रेंड के साथ मतलब एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है लेकिन आप जब किसी आपके सीनियर के साथ मिलते हो ना तो उनका लाइफ जर्नी कैसे गुजर रहा है वो कुछ नहीं करता देखो हमको जिंदगानी कितनी मिली है अभी के वक्त देखो गया ना लोग 60 साल 70 साल से ज़्यादा आपने जीनियर है इतना लाइफ जब हम जीते ना 10 बार गलती करते हैं आपको करेक्ट करने का चांस नहीं होगा लेकिन आप जब किसी सीनियर से मम्मी से पापा से ग्रैंड फादर से ग्रैंड मदर से जब मिलते हो ना आज दिन उनका लाइफ कैसे उन्होंने अपना करियर कैसे बनाया उन्होंने क्या क्या गलती की है ना वो आपको बहुत बड़ा और बेस्ट लर्निंग मिलेगा जो आपको किसी भी किताबों में और वो जो लर्निंग ऐसा होता है ना कि आपको ब्लंडर बड़ी बड़ी गलती करने से आपको होता है सो अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर स्टडी व्हेनेवर यू गेट टाइम सिट विद सीनियर्स टॉक टू देम अंडरस्टैंड उनका लाइफ कैसे गुजर रहा है दिस इज व्हाट आई मीन सो मैं अपने एजुकेशन के बारे में बता रहा था 2008 में मैंने अपना करियर चालू किया पढ़ाई के साथ साथ एक्चुअली मैं एक बड़ी बहुत बड़ी फैमिली रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता मैं खुद की कॉलेज की फीस मैनेज करने के लिए मुझे पार्ट टाइम काम करना पड़ा और मैं भी मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि देखो अगर आपको पढ़ना है अच्छा एजुकेशन लेना है और अगर आपके पेरेंट्स फीस मैनेज नहीं कर पा रहे अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना डोंट फाइट विद योर पेरेंट्स डोंट आर्ग्यू विद देम उनकी तकलीफें उनके पास में होती है जो उनको पता नहीं हमको हमारी तकलीफ का सोल्यूशन निकालना मैं मेरे लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ मैं बड़ी बड़ी बात नहीं करता किसी और का एग्जाम्पल नहीं देता मैंने क्या किया मैं बताता हूँ जब मुझे लगा कि मेरा फाइनेंशियल काफ़ी क्रंचेस आ रहे हैं पेरेंट्स फीस मैनेज नहीं कर पा रहा है इंजीनियरिंग की फीस इन लाख्स रुपीज एंड डिफिकल्ट टू अफोर्ड मेरे फादर का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है जो बैठे वो कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करते हैं उनके पेरेंट्स हो सकता है तो मेरे पापा का भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था बट कंस्ट्रक्शन में एक फेज आता है ना जब वो स्लो डाउन हो जाता है कंस्ट्रक्शन बंद हो गया कोविड में क्या पूरा मार्केट बंद हो गया ऐसा फेज लाइफ से गुजरता है सो बिलीव मी जब मैं करियर में था आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ नाउ हाउ कैन आई मैनेज माई कॉलेज फीस नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वर्क समवेयर और इंडिया का कल्चर ऐसा है कि पार्ट टाइम में 2 घंटे के 3 घंटे में आपको काम कोई नहीं देता आप पर्सनली आपने शायद एक्सपीरियंस किया है आप जाओ मुझे 2 घंटा काम तो कैंटीन में तो 2 घंटा काम करता हूँ मुझे पैसा देना है कॉलेज का फीस दे देगा बट इंडस्ट्री आपको नहीं लेगा मुझे 2 घंटे के पैसे में क्या था ये चैलेंज है हमारे कंट्री में धीरे धीरे ये रिजॉल्व हो रहा है 2-2 घंटा 3-3 घंटा का ये पार्टनरशिप चालू हो रहा है मैं भी इंडस्ट्री से भी इंटरेक्ट करता हूँ और ये बात में चेस्टों की चैलेंज है उसको आप काम करो
स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दो 2 घंटे 3 घंटे काम करने का, स्पेशल उस फैमिली के लिए जो फैमिली बच्चों को फीस पे नहीं कर पा रहा ताकि बच्चा पर्सनल ग्रोथ कर सके। ये मैंने एक्सपीरियंस किया दिल्ली में। मुझे लगा कि भाई मेरे अंदर क्वालिटी ऐसा क्या है कि मैं पेरेंट्स को थोड़ा हेल्प करूँ, घर में थोड़ा पैसा दूँ, खुद की कॉलेज की फीस मैनेज कर सकूँ। वो लेकिन मैं बोलता हूँ ना, मैं मैंने मेरा गुजर गया, मैं फीस पे किया था। एंड लेकिन मैं डेली में वो फेस से भी गुजर रहा हूँ ना कि एग्जाम चल रहा है, मैं गेट के बाहर बैठा हूँ। इट्स नॉट अलाउिंग मी टू इंटर इन एग्जामिनेशन बिकॉज फीस ड्यू है। ये फेस से मैं गुजरा हूँ और मेरे स्कूल में गुजरते हैं। उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आप अपने आप को ऐसे फेस में भी कैसे अच्छे तरह से स्मूथली आगे उठी जा सकता है। सो उस फेज में जब मुझे समझ में आया कि इंडस्ट्री आसपास मुझे काम नहीं देने वाला है, जॉब देने वाला नहीं, मैंने तो मैंने के लिए किसी बात से मेरे एग्जाम को कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। मुझे लगा यार मेरे अंदर क्वालिटी ऐसी क्या कि जो मैं कुछ पैसा कमा सकता हूँ। मुझे समझ में आया कि मेरे साथ वाले जो स्टूडेंट है वो कुछ मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा है ना जो इंजीनियर के लिए बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट एक बोलते हैं ना रजिस्टर होता है कि जो क्रॉस नहीं कर पाता। मुझे लगता है मेरा वो सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि जो मेरा सब्जेक्ट अच्छा है मैं सिखाना चालू करूँ। मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं स्कूल को सिखा सकता हूँ, ये अंदर मैं टैलेंट में कर सकता हूँ बिकॉज मेरा सब्जेक्ट अच्छा है। मैंने एक काम किया कि जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे थे जो मैकेनिक जो इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट के अंदर एक बार ड्रॉप हो चुके थे, मैथमेटिक्स वाले ड्रॉपर हो चुके थे, तो पर्सनली बात किया कि देखो आप बार बार फेल हो रहे हो, क्लासेस लगाया तो सुन लो क्लासेस को लगवाया नहीं हो, फीस मार्केट में तक कुछ 4-5% का स्कूल था। उनको बोला ठीक है मिनिमम चार्जेस मार्केट में ले रहा हूँ, 50% से कम ले रहा हूँ, चल रहा है। दिस इज व्हाट आई प्रपोज। और ऐसा होता है ना कि मेरे को रिस्पॉन्स इतना फास्ट कुछ जल्दी से आया ना, क्योंकि जो जूनियर्स थे जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे उनको ऐसा लगा कि भाई सर के साथ में बैठ के पढ़ना और हमारे इसके लड़कों के साथ में पढ़ने बैठना, सर ऐसा होता है ना कि सर के साथ में गहरी होता है कि हम डाउट पूछ पाएंगे नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन इनका एज गैप ज़्यादा नहीं है तो चलो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं। सो कॉलेज का टाइमिंग था 11 से 5, तो 11 से पहले या 5 के बाद जिससे स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी थी कि स्टूडेंट दो दो स्टूडेंट को लेकर बैठना और उनके डाउट्स होने। एंड बिलीव मी उतना जो मेरा थर्ड ईयर का जो फीस था स्पेशली ट्यूशन फीस वो मैं आराम से उसको निकाली। इसी तरह से थर्ड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ ईयर में गया तो उसका ही फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के मेरे जो फीस थे जो मैक्सिमम मेरे ऊपर बर्डन था वो धीरे धीरे मेरा सॉल्व होना चालू। साथ एक तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि पेरेंट्स को जो मैं वो नज़र से देखता था ना कि मेरा फीस नहीं कर पा रहा, मेरा वो जो होता ना एक तरह का एंगर जो था वो खत्म हो गया, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि पेरेंट्स तो स्ट्रगल कर रहे हैं बट उनका जितना कैपेसिटी उन्होंने कमा लिया, अभी मुझे कुछ तो करना है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना, मैंने इंजीनियरिंग से बैकआउट किया, ना ही मैंने कुछ ऐसा गलत काम किया जिससे मुझे पेरेंट्स को झुकना पड़े। मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील हुआ कि मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, गलत पैसा नहीं कमा रहा और मेरा फीस मैनेज कर। सो स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में ऐसा फेज हर एक लाइफ में आता ही है जब फीस मैनेज करना इज समथिंग डिफिकल्ट जॉब एवर, बट ऐसे सिचुएशन में हमको ये देखना कि भाई अब मैनेज कैसे थोड़ा मैनेज खुद को ही करना। सो आई हैव गिवन माई एग्जाम्पल इन यूर केस इफ यू फील समथिंग लाइक दैट। कॉलेज टाइम में आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस आए, कोई बोलेगा इंजीनियरिंग करके क्या कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, देखो आपके जैसे इंजीनियर मार्केट में घूम रहे हैं। ये एग्जाम्पल भी मुझे दिया गया भाई आर डूइंग दिस इंजीनियरिंग, देखो मार्केट में क्या होता है। क्योंकि विलेज एरिया में क्या होता है ना, विलेज एरिया में कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो रिलेटिव्स हैं बैकग्राउंड के जो लोग हैं ना आपको फर्दर एजुकेशन करने में बहुत ही दिक्कत करते हैं। क्यों पढ़ा रहे हो उसको, आपका बिजनेस है ना, उसको बिजनेस में लगा तो आपको हेल्प हो जाएगा। बच्चे से कोई पूछता नहीं है कि उसको बिजनेस करना है या उसको पढ़ना है, उसको पूछता भी नहीं, ना ही बच्चा उसको समझने की कोशिश करता है। हम लोग हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं, मम्मी जो बोलेंगे वो करो, गर्ल्स पापा जो बोलेंगे वो करो, बॉयज बोलता है मेरा फ्रेंड जो बोले वो करे। नहीं, खुद क्या चाहते हो, आपकी लाइफ में आपको करना क्या है, आपसे बेटर कोई भी नहीं जान सकता, ट्रस्ट मी बिलीव। आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो नेचर है, आपका जो हार्डवर्क है ना, वो आपका पड़ोसी भी नहीं जान सकता आप कितने बेस्ट किस चीज़ में बेस्ट हो, वो अपने आप को आपको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको रोज एग्जांपल दिया ना, उसके अंदर क्वालिटी है। जितने यहाँ पर बैठे हैं ना फर्स्ट लाइन से लास्ट तक हर एक के अंदर अपना एक क्वालिटी है, वो क्वालिटी कोई और ढूंढती नहीं निकले, क्वालिटी आपको खुद को आइडेंटिफाई करनी है। आपको अपने आप को इतना स्पेशलिस्ट बनाना पड़ेगा, अपने आप को इतना स्पेशलिस्ट से देखना पड़ेगा, ये चीज़ है तो मुझे करनी है। देखो एक ओलंपिक हुआ करता था 1856 से लेकर कुछ 1940 तक, 60 साल के अंदर जो एथलीट जो भागते थे ना रनिंग करते थे,
जो 60 साल का केस था ना, तो अरे एथलीट का पूछोगे यार कितना हफ्ते, तो बोलेगा मैं 1 माइल 4 मिनट में दौड़ देता हूँ, 1 माइल 4 मिनट में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती। तो ये एवरेज स्पीड हुआ करती है 60 साल तक किसी ने रिकॉर्ड ब्रेक ही नहीं किया। और अगर पूछेंगे तब के जो बेस्ट रनर थे उनको पूछेंगे तो भाई 4 मिनट 18 सेकंड 4 मिनट 12 सेकंड, बट बिलो 4 मिनट नो वन। मुझे पूछा गया कि आप बताइए आप 4 मिनट की किसी भी कर पाएंगे, लेकिन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारे जो ट्यूटर है, हमारे जो कोच है, उन्होंने बोला है कि आप 4 मिनट से अगर कम आने की कोशिश करोगे तो आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाए, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आने के चांसेस है। ये हमको हमारे कोच, हमारे सीनियर ने बोला है, और उसके हिसाब से हम लोग 4 मिनट के हिसाब से 1 मिनट हम लोग डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं, इतना स्पीड हम लोग मेंटेन करते हैं, और उतना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं 1940 के बाद। अगर आप देखोगे ना तो एक एथलीट है, उन्होंने बोला कि ठीक है ना 4 मिनट 18 सेकंड को उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी, तो उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने आवाज आ रही सबको आई करवाई गई, उन्होंने बोला कि 4 मिनट 18 सेकंड तो बोला गया है, और हर एक सीनियर और कोच का ये कहना है इससे अगर हम लोग टाइम कम करेंगे तो सकता है कि हमारे जो हेल्थ जो ऑर्गन्स है वो सकता है डिस्टर्ब हो जाए या कार्डियक अरेस्ट हो जाए, मर जाए, ऐसा कुछ तो हो सकता है। उन्होंने बोला है कि ठीक है मैं कोशिश तो करके देखूंगा। अरविंद राय पहला जो उनका जो उनका रनिंग था वो 4 मिनट 18 सेकंड का था, वो उनकी 4 मिनट पर लाए, और उनका प्रैक्टिस रेगुलर चलता रहा, और 1940 के बाद का जो 1940 से लेकर 1945 का जो ड्यूरेशन था उस टेस्ट के अंदर उन्होंने कुछ 3 मिनट 45 सेकंड के आसपास का उन्होंने वो कंप्लीट कर दिया। एंड बिलीव मी जैसे उन्होंने 4 मिनट्स के पीछे मतलब वो टाइमिंग कम करके दिखाया, उसी साल 2 साल के दरमियान के अंदर जब वो एक ही बंदा था वहाँ पर 30 लोग चले गए, और 10 ईयर्स का जो स्टडी बताता है कि 10 साल के अंदर अभी जो 60 साल का गैप था अभी ये 10 साल के अंदर वही जाके 30 कदमों पर 60 लोग हो गए। तो अगर आप देखोगे ना तो 1856 से लेकर 1940 के बीच में 60 साल के अंदर का जो गैप था उसमें ना एक भी बंदा 4 मिनट से कम नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे 1940 का ईयर क्रॉस हुआ, जैसे ही एक बंदे ने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया उसके बाद में लगा कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया, फिर 30 के बाद में 60 और 60 के बाद में नंबर रहे, तो जितने नंबर में काउंट नहीं कर सकता, इतने लोग ने 4 मिनट का ब्रेक करके 3 मिनट का ब्रेक फिर आगे छोड़ दिया। क्या है ये माइंड सेट क्या था सब एग्जाम्पल दे रही, सब क्या था माइंड सेट। अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आप उनके अलग भागोगे ना तो आप यहाँ से बस 2 किलोमीटर तक भाग पाओगे, तो हम क्या करते हैं हमारे जो ब्रेन है उसको हम लोग प्रोग्राम कर देते हैं, ओके मैं ऐसे भागूंगा तो मैं 2 किलोमीटर तक भाग पाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं भाग पाऊंगा, मेरी दिक्कत नहीं है, 2 किलोमीटर आएगा इससे ज़्यादा मेरे साथ मुश्किल। तो क्या होता है ना कि एक साइकोलॉजी के हिसाब से जो साइंटिस्ट का कहना है ना कि हम जो काम करते हैं ना बेसिकली हम बाद में करते हैं, हमारा दिमाग प्रोग्राम पहले करता है, हमारा जो सिस्टम है दिमाग का प्रोग्राम यहाँ पे होता है, वही सबसे हम लोग काम करते हैं। आपको बोला गया बैठने के लिए आपके सबके दिमाग में प्रोग्राम फिट हो, आपको बैठना है, आप लोग ने बैठ लिया, जिसके दिमाग में बोला मुझे बैठना नहीं मुझे खड़े रहना, आप खड़े रहो। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज योर ब्रेन शुड बी इन योर कंट्रोल, योर ब्रेन शुड नॉट बी इन कंट्रोल ऑफ समबडी एल्स। हमारा दिमाग का बटन हमारे हाथ में चाहिए ना कि किसी और के दिमाग। जिस दिन हमको हमारे खुद के दिमाग का कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया ना, ट्रस्ट मी आपके लिए किसी भी तरह का कोई भी वैल्यू कहीं पर भी खराब नहीं है। जो 8 से आप गुजर रहे हो ना, किसी भी ज़्यादा मुझे लगता है 10th भी हो गए, 12th भी हो गए, उसको ग्रेजुएशन में भी कर रहे हो गए, ये जो आपका जो, और यही है जैसा होता है ना जब हमारी जो आदत है, आदत कौन सी लगानी है और आदत कौन सी हटानी है, ये जो डू दिस डू नॉट डू दिस। रिसेंटली 6 महीने पहले हमारे सेंटर में हम लोग ने ड्रग एडिक्शन का सेशन करवाया था, और कराने का ये ऑब्जेक्टिव था कि अभी की जो स्कूल लाइफ है कॉलेज लाइफ है वहाँ पर जो ड्रग एडिक्शन इतना कॉमन हो गया है कॉलेज के, पता है ये बुरी आदत है फिर भी हम लोग करते हैं, इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमको अच्छी लगती है, हमको पता है इससे रिजल्ट बहुत खराब आने वाले पर हमको पता है इसी से अच्छी है, लेकिन हम लोग करते हैं हमको पता है हमको मज़ा नहीं आ रहा। तो मज़ा आना है नहीं आना है हमारा दिमाग का खेल, दूसरा कुछ नहीं। मोबाइल कंटिन्यू सुबह से लेकर 2 घंटा 4 घंटा देखना है, हमको पता है देखने से मुझे शाम तक कुछ मेरे जेब में पैसा नहीं आने वाला, हमको पता है दिन भर मोबाइल देखने से कुछ मुझे बहुत बड़ा डेजिग्नेशन नहीं मिलने वाला, स्टिल
सुबह में उठेंगे सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वो देखेंगे, और सुबह से लेकर आफ्टरनून लंच टाइम हो जाएगा तब तक हमको पता चले हम लोग मोबाइल से बाहर ही नहीं निकले। एंड एवरीबडी नोज कि बाय द एंड ऑफ द डे मोबाइल देखने से आपके अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन नहीं आया है, कुछ बहुत बड़ा पोजिशन को मिला नहीं, फिर भी हम लोग एडिक्टेड है मोबाइल की तरफ। जिस दिन बिलीव मी, जिस दिन मोबाइल का जो यूज है ना आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, दिन भर मुझे मोबाइल देखना है बट कितना देखना है ये मेरे कंट्रोल में। मोबाइल में यार साइंस है ना, साइंस में हर चीज का एडवांटेज है डिसएडवांटेज है हर चीज का। मोबाइल में आप दिन में बिलीव मी घर बैठे बैठे इतने सारे कोर्सेस है अवेलेबल कि आपको बाहर क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है। MPSC, UPSC, इंजीनियरिंग टॉप से मोबाइल में आप क्या देखते हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है ना, आपसे बेहतर कोई नहीं। आस्क योरसेल्फ इफ यू गेट मोबाइल, इफ यू गेट फ्री इंटरनेट आप क्या देखोगे, अपने आपको पूछना किसको बोलना, ठीक है। दस मंथ जिस दिन हमारा खुद का माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता कि आज मेरा एज अगर 18 है, आज मेरा एज अगर 20 है और मैंने डिसाइड किया हो कि मुझे 2 साल के अंदर ये कोर्स कंप्लीट करना है, ये प्रोग्राम कंप्लीट करना है, इसलिए दिन भर मुझे आधा घंटा इस कोर्स पे देना है, बिलीव मी वॉच यू करना आपके लिए कहीं पर भी इम्पॉसिबल नहीं, इट्स पॉसिबल। सेकंड एग्जांपल, अगर आपने सोचा कि संडे की मूवी देखना है, देख लेते ना, इम्पॉसिबल कुछ चीज होती है, बहाने कितने आते हैं, पेरेंट्स को कैसे बनाना है, फ्रेंड्स को कैसे लाना है लाइन पे, पता है ना, इतने सारे ट्रिक रहते हैं ना हमारे पास में, कैसे पिक्चर में जाना, बहुत सारे थ्योरी, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे ट्रिक हमारे पास में होते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई नहीं करी ना तो पढ़ाई के लिए बहुत सारे ट्रिक है भाई, पेट दुख रहा है, एग्जाम को जा नहीं सकता हूँ, क्लास को जा नहीं, बट एट लास्ट लेट मी टेल यू ये हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी के साथ अगर हम लोग किलवट कर रहे तो नुकसान हमारी जिंदगी का और किसी का नहीं। पेरेंट्स की एक एज तक हमको सपोर्ट है, एक एज के बाद में उनका सपोर्ट भी हट जाए, कल जाके यू कैन नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स कि आपने मुझे बताया नहीं, हर एक एज में आपको इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि कैसे तब क्या डिसीजन लेना है, दैट्स वन थिंग। ओके सो बातों बातों में थोड़ा अलग ट्रैक पे चला गया, मैं बात कर रहा था मेरे 2008 से मैंने जो करियर मेरा स्टार्ट किया था उस तरह से मेरा सब मैनेज हुआ, इंजीनियरिंग कम्प्लीट की, मैंने कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया हूँ, थोड़ा पढ़ाने का और बात करने का मुझे बहुत बोलते ना एक अच्छा लगता है स्टूडेंट से बात करता हूँ। चलो इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मैंने इंडस्ट्री में जाने जगह पर इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, अटल कुमार जामिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ पर मैंने 6 महीने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को पढ़ाया एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट के साथ में, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना, उनको सिखाना, इंटरेक्ट करना, सब कुछ, एंड आई फील लाइक यार सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ, लेट्स गो टू इंडस्ट्री, कुछ करते हैं। मुंबई आ गए, मुंबई के अंदर अंधेरी में मैंने 2 खुद के प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, 11 के 2 टावर शुरुआत से लेकर आखिर तक, वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। एंड अभी उसके बाद में रुस्तम जैकेडमी फॉर द ग्लोबल एकेडमी ज्वाइन किया हूँ, और अभी तक वी हैव ट्रेन अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स, सो 1 लाख स्टूडेंट्स वी हैव ट्रेन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 9-10 के स्टूडेंट भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं वोकेशनल एजुकेशन के अंदर, ये अभी तक का मेरा जर्नी है। एंड वाई आई फील हैप्पी इज अगर मैं 10 साल पुरानी अगर बात करूँ, सो आई नेवर हैड एक्सपेक्टेड दैट आज मैं एक ऑपरेशन मैनेजर बन जाऊँगा, मुझे प्रोजेक्ट हेड की डेजिग्नेशन मिलेगी और इतने मल्टीपल 100 करोड़ के प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आएंगे और इतना बड़ा ट्रांजेक्शन मैं अपनी आंखों से देखूंगा और मेरे अंडर में 30-40 लोग भी काम करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, आई नेवर हैड एक्सपेक्टेड। सोसाइटी में निगेटिव बोलने वाले लोग बहुत सारे थे, मुंबई जाके भाई घर नहीं मिलता, मुंबई में सर्वाइव करना इज वेरी डिफिकल्ट, डोंट गो टू मुंबई, ऐसे कमेंट करने वाले लोग आज अगर नहीं आता था तो क्या होता था, सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू योर इन योर लाइफ बहुत सारे कोई ना कोई जो हो कि यार क्यों पढ़ रहे हो यार, डू समथिंग एल्स, बट इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप आपके डिसीजन पे कितने काम हो, खुद के डिसीजन पे कितने मजबूती से आप खड़े हो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो अभी तक तो मैं खुद अकेले ही बात कर रहा था, नाउ आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विथ यू ऑल, सो स्पेशली आई विल स्टार्ट विद द गर्ल्स, आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे काफ़ी खुशी होगी अपनी लाइफ का कुछ मोमेंट आप शेयर करोगे, मोमेंट इन द सेंस एक अच्छा मोमेंट भी हो सकता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, इट कैन बी बैड एक्सपीरियंस जिसको आपको सीखने को मिला हो तो आप
शेयर करें सबके साथ, और शेयर करने का एक ही पर्सपेक्टिव है कि जो गलती आपसे हो गया है या जो अच्छा काम आपने किया है वो हर एक को एक एग्जाम्पल से दो, ताकि उससे जो बैठे हैं स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स वो भी आपसे सीखे, और मुझे भी एक नया आपसे एक इंट्रैक्शन करने का, आपसे सीखने का मुझे मौका मिलेगा। वाई एम टेलिंग यू दिस एट दिस एज ऑल्सो, मैं आपके एज के बच्चों से मैं बहुत सारी चीज़ें मैं सीखता हूँ। मैं जब भी क्लास में जाता हूँ ना, मैं सबसे इंट्रैक्ट करता हूँ, किसने क्या गलती किया, पता है ये बुरी आदत है, फिर भी हम लोग करते हैं, इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमको अच्छी लगती है, हमको पता है इससे रिजल्ट बहुत खराब होने वाले हैं।